Hey guys, welcome back to my channel. आज हम आ चुके हैं ईटरी पर भाई। यहाँ मिलता है देहरादून में बस एकमात्र इकलौता ट्विस्टर पोटैटो और वड़ा पाव। चलिए मैडम से बात करते हैं। मेरा नाम देवयानी पाठक है और ईटरी रेस्टोरेंट की मैं ओनर हूँ। वैसे मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ बट मैंने एक्चुअली कुकिंग मेरा पैशन था तो मैंने फिजियोथेरेपी छोड़ के और फिर अपना ये छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया है और कुछ कुछ एक कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हुए और मैं इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ी हूँ। मैं एट प्रेजेंट आपको जो हमारी स्पेशलिटी है और थोड़ा सा यूनिक प्रोडक्ट है जो मुझे लगता है देहरादून में काफ़ी कम अभी अवेलेबल है तो वो मैं बनाने वाली हूँ, पोटैटो ट्विस्टर। हाँ जी, वड़ा पाव, बटर वड़ा पाव। मैनुअली बनाते हैं हम लोग, इसकी कोई प्रॉपर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है तो ये एक मैनुअल मशीन है जिसके थ्रू ये बनता है। कोई मशीन नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं है। हाँ, ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, इसको मैनुअली हम लोग ट्विस्ट करते हैं। इसका एग्जैक्टली ये कटर है और इस तरीके से घुमाकर इसको हम लोग फिर उसके बाद स्टिक पे काफ़ी, क्योंकि फ्रेजाइल हो जाता है आलू जो है वो काफ़ी पतला हो जाता है तो टूट ना जाए और इसको बनने में भी थोड़ा सा वक्त लगता है, समय लगता है। आराम आराम से बनता है ये ताकि आलू अच्छे से पक जाए। तो ये इसकी एक स्लरी है, एक पेस्ट है जो प्रिपेयर किया जाता है। ये पेरी पेरी फ्लेवर है जो मैं बना रही हूँ, पेरी पेरी फ्लेवर का बनने वाला है ये। अलग अलग फ्लेवर में ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। अभी एट प्रेजेंट मैंने क्योंकि अभी शुरू किया है तो मैं सिर्फ पेरी पेरी फ्लेवर देती हूँ, बट हाँ अगर कोई चाहे कि हमें किसी और फ्लेवर का चाहिए, कुछ चीज़ फ्लेवर चाहिए, हमें बेक चाहिए तो वो भी मैं बना देती हूँ। वो भी मिल जाएगा? मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को तेल दिखा देता हूँ। अच्छा, तेल देखिए कितना साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। बहुत ज़्यादा साफ सफाई का हमने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट ही यही है कि स्ट्रीट फूड हम लोग देंगे और वो भी बिल्कुल हाइजीनिकली को अच्छे से ड्रिप करके और फिर उसके बाद में इसको। हाँ जी, बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगी। यही इसकी खूबसूरती है कि ये हर तरफ से और हर तरह से इसको क्रिस्प होना ज़रूरी है, अदरवाइज अगर ये क्रिस्प नहीं होगा तो इसमें कोई स्वाद नहीं होगा। ये बाहर निकल गया है, ठीक है ना? ये अच्छे से देखिए फ्राई हो गया, आपको खुद ही देखने से ही लग रहा होगा कि ये क्रिस्पी है। ये बात है ना? तो ये अच्छा सा इसका जो ऑयल है वो अच्छे से ड्रिप हो जाए और उसके बाद में हम लोग इसे इस बटर पेपर पे ट्रांसफर कर देंगे या फिर किसी भी प्लेट में। और उसके बाद ये मेरे पास मसाला है जो कि एक्चुअली में इसका टेस्ट जो है वो प्लेन भी खा सकते हैं आप इसको सिर्फ सॉल्ट के साथ, बट जो इसकी ब्यूटी और इसका टेस्ट है ना वो एक्चुअली में ये है, ये पेरी पेरी मसाला। ये आ गई हमारी मेयोनीज़, ठीक है, जो दुनिया में सबकी फेवरेट है। और साथ में ये हमारी चटपटी चिपोतले सॉस है। चटपटी चिपोतले डिप है ये। जी जी जी। तो ये इसे कंप्लीट करती है। अब मैं आपको बटर वड़ा पाव बना के बताने वाली हूँ जो हमारे यहाँ की स्पेशलिटी है। तो यूजुअली लोग बस या प्लेन खाना, यहाँ पर लोगों को नहीं पता है कि वड़ा पाव का कॉन्सेप्ट क्या है तो हम लोग इसीलिए इसको सेक के देते हैं क्योंकि क्योंकि कई लोगों को ये नहीं पता होता है कि वड़ा पाव प्लेन खाया जाता है ऑथेंटिकली, लेकिन हम लोग इसको सेक के अमूल बटर में और फिर उसके बाद में वड़े के साथ सर्व करते हैं। बटर एक ही साइड लगता है इसमें क्योंकि ऑब्वियसली कोर्स यहाँ है तो बटर इधर ही जाएगा, यहाँ पर कोर्स नहीं होते, कम होते हैं तो यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं करता बटर इसलिए, और वैसे भी कस्टमर के हाथ में ऑयल लगे या बटर लगता है तो फिर अजीब सा हो जाता है। तो ये मुंबई का वड़ा पाव है, ये हमारा मसाला है जिसमें हम हरी मिर्च का थेचा, दो तरीके के थेचे हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसमें से ये थेचा है लाल थेचा तो पाव के साथ जाएगा और इसमें मैं हरा थेचा हरी मिर्ची का वो ऐड करती हूँ। तो ये थोड़ा सा फ्लैट होता है और ये मैं फ्रायर में ही बना रही हूँ, फ्रायर में और कढ़ाई दोनों में ही बनता है हमारे यहाँ पे जब ज़्यादा डिमांड हो जाती है इसकी, क्योंकि पैक होके भी जाता है। अच्छा। और काफ़ी स्टूडेंट्स पसंद करते हैं और जो महाराष्ट्र और साउथ साइड के हैं तो उनको काफ़ी पसंद है। तो ये बड़ा तो एक्चुअली में आई गया है,
बट इसको हम अभी रख देंगे और इसके साथ में एक्चुअली आप लोगों ने बचपन में खाया होगा जो पकौड़ी के साथ बच जाता है ना, बेसिकली महाराष्ट्र में कई जगह वड़ा पाव ना उस तरीके से सर्व किया जाता है। वड़ा है तो थोड़ा सा हल्का फ्लैट ही होता है ये, इसको बुंदकिया कहते हैं हम लोग, ये छोटी छोटी बूंदों से बनता है, बूंद की तरह गिराया। हाँ तो ये अलग से बनाते हैं हम, तो लोगों को क्या बड़ा मजा आता है इसे खाने में, क्योंकि मैं भी छोटी थी तो मुझे भी बहुत मजा आता था कि वो पकौड़ी का लेफ्ट ओवर जो बच जाता है ना वो खाने में क्रिस्पी भी होता है। हाँ जी आप हो सकता था कि मैं वीडियो बनाने के लिए मैं आपको किसी प्लास्टिक या बड़ी खूबसूरत सी प्लेट में भी दे सकती थी, बट बेसिकली हम इसको सर्व ही डिस्पोजल में करते हैं। वैसे महाराष्ट्र में ये न्यूज़पेपर में मिलता है, बट क्योंकि न्यूज़पेपर में ऑब्वियसली इतना ज़्यादा हाइजीनिक होता नहीं है, क्योंकि उसका जो इंक होता है वो निकलाता है, तो हम लोग लेकिन इसको डिस्पोजेबल नहीं सर्व करते हैं। तो ये साथ में ये खेचा है, लाल खेचा, थोड़ी सी ये मुर्गियाँ और साथ में हमारा बड़ा, ये हमारा हरी मिर्ची रहती है फ्राइड, इसके साथ हरी चटनी हमारी बहुत लोगों को पसंद आती है, ये धनिया पुदीने की चटनी है। अच्छा। तो ये बहुत पसंद आती है सबको। तैयार है? हाँ ये है। चलो गाइस मेरा फाइनली पोटैटो ट्विस्टर लग चुका है और साथ मुझे खाने को मिला है एक वड़ा पाव स्पेशल मिर्च के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले इसे टेस्ट करके देखते हैं। खाने का तरीका मैं थोड़ा अनोइंग कर रहा हूँ, वह अलग तो है। भाई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त स्वाद है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। ये जो मैंने चटनी डाली है और ये सब डाला है, ये जो पैरी पैरी मसाला डाला है, बहुत इसका स्वाद बहुत निखर के आ रहा है, मज़ेदार है। मेरा तो खैर ठंडा हो गया है, पर आप इसे गर्मा गर्म खाइएगा, ये डिश आपको देहरादून में कहीं नहीं मिलेगी, ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैंने बहुत यूनिक डिशेज रखी हैं, लाइक वड़ा पाव, पोटैटो टिक्कर, ये सब बहुत यूनिक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट भाई साहब, इसका वेट मैंने बहुत टाइम से करा है, इसे रखते हैं साइड में और इसकी तरफ बढ़ते हैं। बड़ा पाव फिर हरी मिर्ची बूंदी टाइप की, मतलब बेसन की छोटी छोटी प्यारी प्यारी बूंदे। चलिए तो पहले बड़ा पाव को वड़े के अंदर समेट लें। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। नैन का जो टारगेट है मुंबई का वड़ा पाव देहरादून में लाने की कोशिश, बहुत बढ़िया कोशिश है, क्योंकि मैंने खाया है मुंबई में जाके भी खाया है, मज़ेदार। तभी मैंने कहा भी था कि ये थर्माकोल के प्लेट में ले लें, वैसे पेपर में लपेट के दिया जाता है, पेपर में लपेट के इसलिए नहीं दिया जाता यहाँ पे, क्योंकि बिकॉज जो पेपर का जो इंक है वो इस पर लग जाएगा, और टेस्ट भी बहुत औसम है, मुझे बहुत बढ़िया लगा। इसका कॉस्ट 60 रुपये है, ये थोड़ा सा बचा हुआ है, इसका कॉस्ट 60 रुपये है, इसका कॉस्ट है 40 रुपये अगर अमूल बटर वाला लेंगे, और प्लेन लेंगे तो 30 रुपीज़ है। ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन, दोनों मैं कहूँगा आप दोनों ऑर्डर करिएगा, मज़ेदार। और हरी मिर्ची अगर आपको खाने का शौक है तो ज़रूर आइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।